एक बहुत धनी व्यक्ति होता है, पैसे वाला, पढ़ा लिखा, समझ रहे हो, पैसे वाला और पढ़ा लिखा, और उसे एक गांव में जाना होता है अपनी बड़ी सी फैक्ट्री डालने, वहां की जमीन उसने खरीदी होती है, वहां उसे फैक्ट्री डालना होता है, बहुत बड़ी सी फैक्ट्री, बहुत अमीर होता है, बहुत पैसा होता है उसके पास, रुतबा होता है, जाता है भोकाल में, 10-15 गाड़ियां पहुंचती है, और जैसे ही गांव के पास पहुंचता है तो देखता है कि बीच में एक नदी है बहुत बड़ी, और उस गांव में जहां फैक्ट्री डलनी है वहां पहुंचने के लिए उसे नदी से जाना पड़ेगा। बड़ी समस्या भाई, नदी में कोई पुल था नहीं, एक नाविक था, एक नाव थी छोटी सी, तो गांव वाले उसी नाव से आते थे और जाते थे। अब वहां बड़ी बड़ी गाड़ियां तो पहुंच नहीं सकती, तो गाड़ियों को साइड में खड़ा करते। अब परेशान हो, अमीर आदमी पढ़ा लिखा, इसमें जाना पड़ेगा, चलो अपनी जमीन देखने जाना है, फैक्ट्री लगाना है, तो चल देते, और वो नाव में बैठ, ठीक है, नदी काफी गहरी थी और काफी लंबी थी। अब नाविक के साथ बैठा तो नाविक से पूछा, तुम कहाँ तक पढ़ेंगे? नाविक ने बोला, साहब गांव में 5 तक स्कूल है, तो वहीं तक पढ़े, 5 तक स्कूल है, वहीं तक पढ़े हैं, और उसके बाद शहर में है स्कूल, तो वहां हम गए 5 तक पढ़े। कितने गवार हो तुम, 5 तक पढ़े हो, इंग्लिश आती है? इंग्लिश नहीं आती इस जमाने में, तुमको इंग्लिश नहीं आती, फोन चलाना आता है साहब? वो नहीं आता है, ये नहीं है फोन। अरे पागल आदमी, इतना जमाना बदल गया और तुमको फोन चलाना भी नहीं आता, कितने गवार हो तुम। फिर बोला कि तुमको इंग्लिश बोलना नहीं आता, फोन चलाना नहीं आता, कंप्यूटर आता है? कंप्यूटर भी नहीं आता, बहुत बेकार आदमी है, तुमको कुछ नहीं आता, मुझको देखो, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास कितना सारा पैसा है। बहुत बेइज्जती की उसको, बहुत बुरा भी लगा, क्या करें भाई, गरीब आदमी। तभी अचानक से नदी में थोड़ा सा पानी तेज हो गया, बाढ़ टाइप, तो नाविक बोला कि साहब आपको तैरना आता है? कहता वो तो नहीं आता। तो उसने बोला, तो आपका सब बर्बाद है, मुझको तो तैरना आता है। और उसने कहा, अब बड़े आदमी ने, कि मुझे माफ कर दो, मेरी जान बचा लो, मैं समझ गया हूँ कि किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, हर आदमी कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ अच्छा आता है, हर आदमी की हमें कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है, तो किसी की भी बुराई मत करो, किसी की भी बेइज्जती मत करो, किसी को भी नीचा मत दिखाओ। फिर वो पानी में कूदे और उस नाविक ने कंधे में उसको बैठा के तैरते हुए नदी पार कराया और उसकी जान बची। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें किसी की भी बुराई नहीं करनी, कोई छोटा हो कोई बड़ा, किसी को कम आता है किसी को ज्यादा आता है, किसी को कुछ और अच्छा हो सकता है, आपको कुछ कुछ चीज अच्छी आती है, उसको और कुछ बहुत अच्छा आता हो सकता है, तुम्हें पढ़ना आता हो तो लेकिन उसको ड्राइंग बनाना बहुत अच्छा आता हो, तो ये भी एक टैलेंट है। तो हर एक व्यक्ति की इज्जत करनी, हर एक व्यक्ति से सीखना है, किसी की भी बुराई नहीं करनी। तो अच्छी लगी कहानी? yes, तो आज का कहानी, कल फिर से एक कहानी सुनाएगा। yes, अब मैं सोच रहा हूँ कि डेली प्रेयर के बाद एक कहानी सुनाएगा। yes, ठीक है। yes, चलती